हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा सीएटी चाइना टीवी का एक प्रॉब्लम जो कलर प्रॉब्लम है। कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लू ज़्यादा आ सकता है, कुछ भी एक कलर आ सकता है। मेनली दोस्तों सीआरटी टीवी का अंदर जो मेन कलर होता है, तीन कलर होता है, आरजीबी, तीनों रेल मेन कलर से उसका जो अलग अलग कलर वो सब कुछ बन जाता है। बट कुछ भी एक कलर प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो पूरा कलर डिसकलर हो जाता है। कभी ग्रीन ज़्यादा आ जाएगा, कभी येलो ज़्यादा आ जाएगा, कभी रेड ज़्यादा आ जाएगा, इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है, इसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के रखा हूँ। आज आपको प्रैक्टिकल रिपेयर करके देखूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसका येलो कलर ज़्यादा आ रहा है, ग्रीन कलर ज़्यादा लग रहा है, ओरिजिनल इसका ब्लू कलर मिसिंग है, मतलब पूरा मिसिंग है, थोड़ा सा ब्लू कलर आ रहा है, पूरा कलर नहीं आ रहा है। इसी कंडीशन पर ये कलर जो शो हो रहा है, ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है आपको वीडियो के अंदर रिपेयर करके देखूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो होगा। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो पर ले चलता हूँ। आज दोस्तों आपको रिपेयर करके देखूंगा ये जो पिक्चर चल रहा है इसका अंदर एक कलर प्रॉब्लम है, मतलब इसका अंदर ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है और येलो टाइप ये लग रहा है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाएगा आपको ये वीडियो के अंदर देखूंगा। आप अच्छा करके देखिए, ये जो पिक्चर है इसका कलर का प्रॉब्लम है, इसका परफेक्ट कलर नहीं है, मतलब इसका अंदर जो कलर प्रेजेंट है अच्छा करके देखेगा तो पता चल जाएगा कि इसका अंदर देखिए रेड कलर प्रेजेंट है, ठीक है, और ग्रीन कलर भी प्रेजेंट है, और जो ब्लू कलर है ये कम लग रहा है, बट लग रहा है कि हल्का सा ब्लू कलर आ रहा है। तो दोस्तों सबका पता है कि तीनों कलर से पिक्चर बनता है और वो सही कलर आ जाता है, बट दोस्तों इसका अंदर ब्लू कलर बहुत कम है, तो इसलिए ये जो पीसीबी है ये आपको रिपेयर करके देखूंगा इसका अंदर चाइना। तो दोस्तों ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का ऑलरेडी मैं दो वीडियो बनाया है, क्योंकि साल भर का वजह ये पीसीबी के अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया था और रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ चेंज किया, स्टैंड बाई प्रॉब्लम रिपेयर किया जिसका अलग सा वीडियो बनाया, और सिंक टाइप का प्रॉब्लम था उसका भी अलग सा वीडियो बनाया। अभी आपका एक बार इसी टाइम सप्लाई देकर देखना चाहता हूँ, अभी पीसीबी के अंदर कलर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पहले से ये कलर प्रॉब्लम है तो मैं एक ही वीडियो के अंदर नहीं देखा है, आपको ये वीडियो के अंदर वो कलर प्रॉब्लम रिपेयर करके देखाऊंगा। आप देख सकते हैं इसका अंदर ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है और ये पिक्चर येलो टाइप ये चल रहा है, और स्क्रीन को अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा कि इसका अंदर रेड कलर भी प्रेजेंट है और ग्रीन कलर तो प्रेजेंट ही है और ब्लू कलर कम लग रहा है। तो इसीलिए ब्लू कलर को कैसे सही किया जाता है आपको वीडियो के अंदर देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा, कलर प्रॉब्लम जब होता है, तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है। ये जो बेसबोर्ड देखा जाता है, बेसबोर्ड का अंदर कलर अलग अलग ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है। तो कुछ भी कलर प्रॉब्लम आएगा तब जरूर कुछ वोल्टेज चेक करके देखिए। चलिए मैं अभी भी एक बार इसी टाइम कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मीटर को क्या करना पड़ेगा, 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए मीटर का नेगेटिव कोड मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद कुछ बेसबोर्ड का वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। तो बेसबोर्ड वोल्टेज दिखाने का पहले जो जो चेक करना पड़ेगा, जो जो वोल्टेज आपको दिखाना पड़ेगा सब कुछ दिखाऊंगा। देखिए जो बेसबोर्ड है, देखिए यह पर एक कैथोड पिन है, इसके अंदर वोल्टेज कितना है, 140 वोल्ट का आसपास, ठीक है, 42 वोल्ट का आसपास। ये जूटू पिन है, ये देखने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यह कैथोड पिन है, यहाँ पर वोल्टेज 140, ये भी इसी तरह सेम वोल्ट 120-30-40 इसी तरह आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखने का ज़रूरत नहीं है, ये फिलामेंट का। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला पिन है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 168 वोल्ट है, यहाँ पर देखिए 168 वोल्ट है। तो दोस्तों ये बेसबोर्ड का अंदर जो मेन वोल्टेज आपको देखा है कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट है, ये देखने के बाद थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा। बट अभी पिक्चर ये चल रहा है इसी तरह, आपको चलिए सप्लाई ऑफ करके आपको और जो वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि बहुत आसान हो जाएगी ये पोजीशन का अंदर वोल्टेज चेक करेगा। तो देखिए, तो दोस्तों ये बेस पिन का मेन वोल्टेज आपको दिखाया, एक पिन का वोल्टेज थोड़ा हाई है और दोनों पिन का वोल्टेज बड़ा है, मतलब एक पिन का कलर, मतलब एक कलर का प्रॉब्लम थोड़ा है, और ये पोजीशन का वोल्टेज थोड़ा सा फ्रैक्चरेट होता है, क्योंकि स्क्रीन जब चलेगा, पिक्चर जब चलेगा, स्क्रीन का अंदर कलर भी अप डाउन होता है, उसी का रीजन से अप डाउन होता है, ठीक है। तो मेन तीनों कलर कहाँ से आता है, मेन जो मेन प्रोसेसर आईसी है, अलग अलग प्रोसेसर आईसी होगा तो अलग अलग पिन से कलर निकलेगा, और ये 88 का आईसी है चाइना पीसीबी का, ये 88 जो होगा इसके अंदर ये जो जैक पॉइंट देखिए, ठीक है, इसके अंदर ये जो जैक पॉइंट देखिए ये नेगेटिव है, और उसके बाद ये आरजीबी, ये तीनों पिन है, ये ब्लू कलर का लाइन है,
ये जो ब्लू कलर का लाइन है यहाँ से बेसबोर्ड के अंदर चला गया, और उसका पहले एक दो तीन, ये तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस, ये तीनों जो आईसीआई, ये तीनों आईसी का पिन पर इसका कनेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब ये तीन पिन पर वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा, और यहाँ से कौन कौन कलर सही निकल रहा है ये देखने के बाद मीटर से वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए मीटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ, रखने के बाद आपको दिखाता हूँ सप्लाई देके। ठीक है, देखिए सप्लाई दे दिया, देने के बाद स्क्रीन के अंदर कलर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, उसका बाद आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। देखिए ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है और येलो टाइप भी लग रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये तीनों कलर से ही आउटपुट हो रहा है कि नहीं देखिए, ये ऊपर वाला नेगेटिव है, और ये देखिए मीटर का अंदर यहाँ पर 8 GB का वोल्टेज देखिए, 2.4 वोल्ट है, देखिए 2.67 इसी तरह वोल्ट है, और ग्रीन पिन पर वोल्टेज देखिए 2.5 वोल्ट है, और बी पिन पर वोल्टेज देखिए 0.8 वोल्ट है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसी तरह वोल्टेज डाउन है, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ही डाउन है, ये 0.7 वोल्ट है, मतलब ये जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन का अंदर वोल्टेज ड्रॉप है, और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए ये लाइन का अंदर बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये आईसी पिन पर वोल्टेज देखिए 2.1 है, और अलग अलग कलर पिन पर ये देखिए 2.5 है, और यहाँ पर 2.6 है, मतलब ये दोनों पिन वोल्टेज बराबर है, और ये ब्लू लाइन का जो सिग्नल लाइन का वोल्टेज, ये ब्लू सिग्नल लाइन का वोल्टेज गड़बड़ है, कम है। तो दोस्तों मतलब सिग्नल यहाँ से निकल रहा है, और ये लाइन से जब वोल्टेज बेसबोर्ड का अंदर जा रहा है, हो सकता है ये बेसबोर्ड का अंदर वो सिग्नल लाइन फॉल्ट हो सकता है, जिसका अंदर ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, वो ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो और जो रीज़न हो सकता है कि इसका अंदर, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके दिखाता हूँ कि इसका अंदर, ये लाइन का अंदर देखिए एक दो तीनों डायोड है, ये 4148 का डायोड है, कुछ भी एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या करूँगा कि इसका अंदर ये जो लाइन का अंदर डायोड है, ये डायोड को ओपन करके देखूँगा। अब ये तीनों डायोड को ओपन करके देखेगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओपन करके रखेगा तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए ये डायोड ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, और ऊपर से भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी का अंदर डायोड कौन पोजीशन पर है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए तीनों डायोड है। ठीक है, तो एक डायोड को ओपन करके आपको दिखाऊँगा, चलिए ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको जो बताया कि ये पोजीशन का अंदर जो डायोड है, डायोड को ओपन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी मैं ये पोजीशन पर जो ये वाला डायोड है, ये डायोड को ओपन कर दिया, अब देख सकते हैं डायोड को ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद तो दोस्तों आपको वोल्टेज भी एक बार चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, और पिक्चर सही बन रहा है कि नहीं ये भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मीटर को एक बार सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, चलिए सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद स्क्रीन पर आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्रीन कलर और येलो टाइप कलर देखिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखिए इसका सही कलर आ रहा है, ग्रीन कलर ज़्यादा नहीं है और येलो टाइप कलर भी ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा इसका जो मेनू बटन पुश करके इसका 8 GB को एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी इसका जो मेन कलर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको एक बार सामने से पिक्चर देके देखूंगा, दूर से कैमरा का वजह ये ब्लोअर हो जाता है। अभी यहाँ पर वोल्टेज का कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये डायोड ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी वोल्टेज देखिए मीटर के अंदर देखिए 3 वोल्ट आ रहा है, देखिए 2.3 इसी तरह वोल्टेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जब वोल्टेज ये देखिए 2.8 हो गया, ठीक है 2.8 हो गया, और यहाँ पर जो वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो मीटर के अंदर, यहाँ पर 2.78 इसी तरह वोल्टेज आ रहा है, थोड़ा से फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोसेसर आईसी से सिग्नल थोड़ा सा कम बेसी आता है, क्योंकि स्क्रीन का अंदर जब पिक्चर चलेगा, पिक्चर का अंदर कभी रेड ज़्यादा आएगा, कभी ब्लू ज़्यादा आएगा,
इसी तरह होता है, तो इसीलिए कलर वोल्टेज इसी तरह अप डाउन दिखाएगा। अब देख सकते हो इसका प्रॉपर कलर आ गया, ठीक है। बट मेनू बटन पुश करके ESD थोड़ा एडजस्ट करके इसका कलर को सेट कर ओके करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल आज करने के लिए। और दोस्तों सामने से ये पिक्चर एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ।